मॉर्निंग स्टूडेंट्स आ जाइए पेज नंबर में अब हम फाइंड करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मतलब जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में उसके हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे ठीक है तो देखिए जैसे आपकी इक्वेशन दिए है यहाँ पे टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू टे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में दी है हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करने है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे हम टू एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे टू तो टू टू ज फोर प्लस थ्री वाई इक्वल टू तो ट्वेल्व आ जाएगा फिर देखिए ये आपकी इक्वेशन कैसी आ गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आ गई इसको हम सॉल्व करेंगे एंड वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो वाई की वैल्यू आएगी एट बाई थ्री ठीक तो एस की वैल्यू हमने टू ली थी और वाई की वैल्यू आ गई एट बाई थ्री इसी मेथड का इसी तरह हम अलग अलग एस की वैल्यू पुट करके वाई की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे और हमें अलग अलग सॉल्यूशंस मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन के ठीक है सिमिलरली हम x इक्वल टू अब देखिए माइनस फाइव पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो देखिए फाइव टूट टेन और माइनस टेन प्लस थ्री वाई इक्वल टू ट्वेल्व आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी ट्वेंटी टू अपॉन थ्री तो दूसरा सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे इस इक्वेशन का माइनस फाइव कॉमर ट्वेंटी टू अपॉन थ्री सिमिलरली इसी तरह मेथड से हम करेंगे एक्स के अलग अलग वैल्यू रखेंगे जिसके लिए हमको वाई की वैल्यू मिल जाएगी और अलग अलग सॉल्यूशंस हमें मिल जाएंगे इस इक्वेशन के ठीक है तो इस एग्ज़ाम्पल्स हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे कोई भी एंड नहीं है डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में तो जो आपकी एक लीनियर इक्वेशन होती है इन टू वेरिएबल्स में उसके इन्फीनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं मतलब इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं उनका कोई एंड नहीं होता है चलिए हम देखते हैं एक एग्ज़ाम्पल नंबर थ्री फाइन फोर डिफरेंट सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स आपकी एक इक्वेशन दी है इसके आपको फोर अलग अलग सोल्यूशंस फाइन करने हैं ठीक है ठीके? तो देखिए इसमें पहले से एक्स इक्वल टू टू वाई इक्वल टू टू दिया है लेकिन तो आप इंस्पेक्शन करने का मतलब आप उसमें वैल्यू पुट करके फाइन करेंगे तो आपको एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू टू पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों पार्ट आपके इक्वल आएंगे तो मतलब एक्स इक्वल टू टू वाई इक्वल टू टू इसका सॉल्यूशन है ठीक और आपको इस तरह नहीं करना है तो आप अलग अलग वैल्यू पुट कर लीजिए जैसे कि आप एक्स इक्वल टू जीरो पुट करिए जब एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो टू वाई इक्वल टू सिक्स आ जाएगा तो y की वैल्यू टू वाई इक्वल टू सिक्स आ जाएगा वाई की वैल्यू थ्री आ जाएगी तो एक सॉल्यूशन गया आपका ज़ीरो थ्री फिर अभी हमने एक्स इक्वल टू जीरो पुट जीरो पुट किया था अब y इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो गिवन इक्वेशन आ जाएगी x इक्वल टू सिक्स तो x की वैल्यू आ गई सिक्स तो दूसरा इक्वेश सोल्यूशन क्या आ गया इस इक्वेशन का सिक्स जीरो ठीक फिर इसी तरह हम y की वैल्यू बन लेंगे जब y की वैल्यू हम वन लेंगे तो एक्स प्लस टू इक्वल टू सिक्स हो जाएगा और एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो फोर मिलेगा तो थर्ड सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा फोर कॉमा वन फिर नेक्स्ट इसी तरह ये तीन सॉल्यूशंस आ गए इसके और एक स्टार्टिंग में हमने टू एक्स इक्वल टू टू एंड वाई इक्वल टू टू लिया था तो फोर सॉल्यूशंस हो गए तो लास्ट में हम लिखेंगे फोर सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन आर टू कॉमा टू जीरो कॉमा थ्री सिक्स कॉमा जीरो एंड फोर कॉमा वन ठीक है इसी तरह हम उसके दी गई इक्वेशन के बहुत सारे अलग अलग सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं ठीक है नोट दैट एन ईजी वे ऑफ गेटिंग अ सॉल्यूशन इज टू टेक एक्स इक्वल टू जीरो एंड गेट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई सिमिलरली वी कैन पुट वाई इक्वल टू जीरो एंड ऑपटेन द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स सबसे ईजी तरीका जो होता है वो सॉल्यूशन को फाइंड करने का वो ये हो, होता है कि सबसे पहले हम एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दें तो वाई की वैल्यू मिल जाएगी फिर सेकंड केस में वाई इक्वल टू जीरो पुट कर दे तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी ठीक है चलिए अब हम आते हैं एक्सरसाइज फोर पॉइंट टू में क्वेश्चन नंबर वन में एक्सरसाइज फोर पॉइंट टू में आ जाइए पेज नंबर सेवनटी में क्वेश्चन नंबर वन देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई वाई इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फाइव हैज़ अूनिक सॉल्यूशन ओनली टू सॉल्यूशन्स इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हमें ये बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ट्रू है एंड क्यों है क्यों सही है वो तो देखो दिया है वाई इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फाइव के कितने सॉल्यूशन होंगे यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर दो सॉल्यूशंस होंगे या फिर इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे मैंने अभी आपको बताया था जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में होती हैं उसके इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं तो ये इक्वेशन जो है आपकी इसके भी इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे क्योंकि क्यों होंगे इसलिए होंगे कि जब हम एक्स की वैल्यू जो भी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे उसके लिए हमको वाई की वैल्यू भी मिलेगी जितनी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे उसकी हमें उसके करस्पॉन्डिंग हमें वाई की वैल्यूज मिलेगी ठीक है तो ये इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का आंसर होगा तो आप इसे टिक कर दीजिएगा ठीक है अब रीजन क्या लिखेंगे देखिए हम रीजन लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इनफी इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे क्यों होंगे बिकॉज बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज अ अरेस्पोंडिंग वैल्यू ऑफ वाई एन वाइस वर्सा ठीक है क्या लिखा मैंने कि इंफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे क्यों होंगे क्योंकि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए इज अ करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वाई की एन वाइस वर्सा ठीक है अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू में क्वेश्चन नंबर टू राइट फोर सोल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइिंगशंस हमें फ़ोर सॉल्यूशन लिखने हैं हर एक दी गई इक्वेशन के लिए फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी सेकेंड थर्ड आपके लिए होमवर्क रहेगा ठीक है अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया है कि कैसे सॉल्यूशन फ़ाइन करते हैं एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी ठीक है चलिए देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे इसे और कैसे हम फोर सॉल्यूशन फ़ाइन करेंगे फर्स्ट इक्वेशन है आपकी टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेवन ये इक्वेशन है सबसे पहले हम इसमें पुट करेंगे एक्स इक्वल टू जीरो तो देखिए टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेवन है एक्स इक्वल टू जीरो पुट करिए तो टू इंटू एक्स टू इंटू ज़ीरो प्लस वाई टू इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेवन था एक्स की जगह जीरो पुट किया तो टू इंटू ज़ीरो प्लस वाई इक्वल टू सेवन तो ये पूरा जीरो हो जाएगा तो जीरो प्लस वाई इक्वल टू सेवन यानी वाई इक्वल टू कितना आ गया सेवन तो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या आ गया जीरो एक्स जीरो एंड वाई सेवन नेक्स्ट हम पुट करेंगे अब वाई इक्वल टू जीरो इसी इक्वेशन में ठीक तो है तो टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेवन है तो टू एक्स प्लस वाई की जगह हम क्या पुट करेंगे जीरो इक्वल टू सेवन कितना हो जाएगा टू एक्स इक्वल टू सेवन तो एक्स इक्वल टू सेवन बाई टू यहाँ टू इन टू में था तो इधर आएगा तो डिवाइड में तो अब क्या कोऑर्डिनेट आ मतलब देखिए क्या सॉल्यूशन आ गया एक्स हो गया सेवन बाई टू एंड वाई क्या हो गया जीरो ये दूसरा सॉल्यूशन आ गया थर्ड देखिए थर्ड में पुट करेंगे हम एक्स इक्वल टू वन ठीक है तो टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेवन एक्स इक्वल टू वन यानी टू 1 टू वन प्लस वाई इक्वल टू सेवन ठीक तो टू जा, टू प्लस वाई इक्वल टू सेवन तो वाई इक्वल टू ये प्लस में टू था इधर आएगा तो माइनस में सेवन माइनस टू इक्वल टू फाइव आ गया ठीक है तो थर्ड सॉल्यूशन क्या हो गया वन फाइव एक्स की वैल्यू वन एंड वाई की फाइव नेक्स्ट फोर्थ सॉल्यूशन लेंगे हम तो यहाँ हम पुट करेंगे y इक्वल टू वन ठीक है तो टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू तो सेवन है तो टू एक्स प्लस वाई की जगह वन इक्वल टू सेवन तो टू एक्स इक्वल टू तो प्लस में वन था तो इधर आएगा माइनस में सेवन माइनस वन यानी सिक्स तो x इक्वल टू टू एक्स के इन टू में था टू तो इधर आएगा डिवाइड में तो टू वन जो टू टू थ्री जो सिक्स तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया थ्री यानी फोर्थ सॉल्यूशन क्या आ गया थ्री कॉमा वन आ गया इसे एक बार और समझिए अच्छे से सबसे पहले हमने एक्स की वैल्यू ज़ीरो ली इसमें पुट किया तो ये टर्म पूरा ज़ीरो हो गया तो वाई इक्वल टू सेवन आ गया ठीक है तो फर्स्ट सॉल्यूशन मिल गया हमें जीरो कॉमा सेवन यानी एक्स जीरो एंड वाई सेवन नेक्स्ट हमने वाई इक्वल टू ज़ीरो पुट किया तो वाई जीरो किया तो, तो, तो ये टर्म जीरो हो गया तो टू एक्स इक्वल टू सेवन आ गया एक्स के इंटू में था टू तो इधर आएगा तो डिवाइड में तो x इक्वल टू सेवन बाई टू तो दूसरा सॉल्यूशन हमें मिल गया सेवन बाई टू कॉमा जीरो यानी x इक्वल टू सेवन बाई टू एंड वाई इक्वल टू जीरो मिल गया थर्ड हमने पुट किया चाहे तो आप यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिख देंगे कि जब पहली बार पुट किया फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ये पुट कर दिया मतलब हमने फोर्थ सॉल्यूशन लिए ठीक है थर्ड देखिए हमने पुट किया एक्स इक्वल टू वन ठीक तो टू एक्स की जगह वन पुट किया तो टू वन जो टू प्लस वाई इक्वल टू सेवन तो प्लस में टू था इधर आएगा तो माइनस में सेवन में टू माइनस किया तो फाइव तो वाई की वैल्यू आ गई फाइव तो थर्ड सॉल्यूशन आ गया हमारा वन कॉमर फाइव यानी एक्स की वैल्यू वन एंड वाई की वैल्यू फाइव फिर फोर्थ नंबर देखिए फोर्थ में हमने क्या किया वाई इक्वल टू वन पुट किया तो यहाँ वाई की जगह वन आ गया टू एक्स प्लस वन इक्वल टू सेवन प्लस में वन था इधर जाएगा तो माइनस में तो सेवन माइनस वन किया तो आ गया सिक्स तो टू एक्स इक्वल टू सिक्स एक्स इक्वल टू सिक्स टू सिक्स को टू से डिवाइड किया तो हमें मिला थ्री तो एक्स की वैल्यू आ गई थ्री तो हमारा फोर्थ सोल्यूशन आ गया थ्री कॉमा वन यानी एक्स की वैल्यू थ्री एंड वाई की वैल्यू वन लास्ट में हम लिख देंगे द फोर सोल्यूशंस आर फर्स्ट क्या था आपका जीरो कॉमा सेवन सेकेंड है आपका सेवन बाई टू कॉमा ज़ीरो थर्ड है आपका वन कॉमा फाइव एंड फोर्थ है आपका थ्री कॉमा वन ठीक है ये देखिए फर्स्ट था आपका जीरो कॉमा सेवन सेकेंड है आपका सेवन बाई टू कॉमा जीरो थर्ड है वन कॉमा फाइव एंड फोर्थ है आपका थ्री कॉमा वन तो ये फोर सॉल्यूशंस आ गए आपकी क्वेश्चन टू एक्स प्लस फाइव टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेवन के ठीक है बाकी दो इसके इसी तरह करने हैं वो आपके लिए होमवर्क हैं अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी पर इसका आप सेकंड नंबर भी देख लीजिए उसमें थोड़ा पाई की वैल्यूज़ दी हैं इसलिए सेकंड नंबर भी मैं इसको आपको बता देती हूँ मतलब क्वेश्चन नंबर टू का पहले मैं सेकंड थर्ड होमवर्क दे रही थी लेकिन आपको सिर्फ थर्ड होमवर्क रहेगा सेकंड भी मैं आपको बता रही हूँ ठीक है देखिए सेकेंड नंबर है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू नाइन है ठीक है फर्स्ट देखिए हम क्या पुट करेंगे एक्स इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे ठीक है तो पाई इंटू ज़ीरो प्लस वाई इक्वल टू नाइन यानी ज़ीरो प्लस वाई इक्वल टू नाइन यानी वाई इक्वल टू नाइन ठीक है तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा क्या आ गया ज़ीरो कॉमा नाइन ठीक है सेकेंड देखिए अब हम पुट करेंगे वाई इक्वल टू ज़ीरो तो पाई एक्स प्लस वाई की जगह क्या आ जाएगा जीरो इक्वल टू नाइन ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा तो पाई एक्स इक्वल टू नाइन यानी एक्स इक्वल टू नाइन अपॉन पाई तो दूसरा सॉल्यूशन हमारा क्या आ गया नाइन अपॉन पाई कॉमा ज़ीरो समझिएगा इसे जब हमने एक्स इक्वल टू जीरो पुट किया तो ये टर्म पूरा जीरो हो गया तो वाई इक्वल टू नाइन आ गया तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमें मिल गया जीरो कॉमा नाइन सेकेंड में हमने वाई इक्वल टू जीरो पुट किया तो ये टर्म जीरो हो गया तो पाई एक्स इक्वल टू नाइन हो गया एक्स ये इंटू में था यहाँ आएगा पाई तो डिवाइड में हो जाएगा तो एक्स इक्वल टू नाइन अपॉन पाई हो गया तो दूसरा सॉल्यूशन हमें मिल गया नाइन अपॉन पाई कॉमा जीरो अब देखते हैं थर्ड सॉल्यूशन पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू नाइन अब यहाँ पर हम पुट करेंगे क्या एक्स इक्वल टू वन ठीक है तो पाई इंटू वन प्लस वाई इक्वल टू नाइन तो पाई वन पाई आएगा प्लस वाई इक्वल टू नाइन तो वाई इक्वल टू प्लस पाई प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में तो नाइन माइनस पाई तो थर्ड सॉल्यूशन क्या आ गया एक्स इक्वल टू वन एंड वाई इक्वल टू नाइन माइनस पाई ठीक है नेक्स्ट फोर्थ सॉल्यूशन देखिए हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर अब y इक्वल टू वन फुट करेंगे अभी x इक्वल टू वन फुट किया था हमने अब y इक्वल टू वन फुट करेंगे तो देखिए पाई इंटू एक्स रहेगा प्लस y की जगह क्या हो जाएगा वन इक्वल टू नाइन ठीक पाई x यहाँ प्लस में वन था उधर जाएगा माइनस में तो नाइन माइनस वन तो पाई x इक्वल टू एट x इक्वल टू यहाँ इंटू में था x के पाई तो यहाँ डिवाइड में आएगा एट अपन पाई तो फोर्थ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारा अब एक्स की वैल्यू आ गई एट अपॉन पाई एंड वाई की वैल्यू है वन तो फोर सॉल्यूशंस क्या आ गए हमारे फोर सॉल्यूशंस आर फर्स्ट सॉल्यूशन क्या था हमारा जीरो कॉमर नाइन सेकेंड सॉल्यूशन हमारा आ रहा था नाइन अपॉन पाई कॉमा ज़ीरो थर्ड सॉल्यूशन आ रहा है वन कॉमा नाइन माइनस पाई फोर्थ सॉल्यूशन है एट अपॉन पाई कॉमा वन ठीक फर्स्ट सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे दिया है ज़ीरो कॉमा नाइन सेकेंड सॉल्यूशन है आपका नाइन अपॉन पाई कॉमा ज़ीरो थर्ड सॉल्यूशन है वन कॉमा नाइन माइनस पाई फोर्थ सॉल्यूशन है एट अपॉन पाई कॉमा वन ठीक है क्वेश्चन नंबर टू आपका कंप्लीट नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे